बेटी मांगे इंसाफ को लेकर कैथल के सेक्टर 18 में महिला एक्टिविस्ट सोनिया दुहन के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में प्रदेश भर के 10 से अधिक खापों ने हिस्सा लिया। सभी खापों ने फैसला लिया कि प्रदेश के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह की कैथल जिले में एंट्री बैन कर दी है। खापों ने ऐलान किया कि संदीप सिंह कैथल में कहीं पर भी आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। महापंचायत में बोलते हुए दुहन खाप के नेता सतपाल दुहन व सोनू मालपुरिया ने कहा कि संदीप सिंह समर्थकों ने गणतंत्र दिवस समारोह में सोनिया के साथ भरे पंडाल में अभद्रता की थी, जिसके बाद से सोनिया दुहन पूरे हरियाणा में संदीप सिंह के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। इससे पहले संदीप सिंह के नारनौद क्षेत्र में एंट्री बैन की जा चुकी है। सोनिया दुहन ने कहा कि 29 दिसंबर 2022 को संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसे बचा रहे हैं। पिछले 2 माह में महिला कोच के अलावा महेंद्रगढ़ करनाल एमडीयू रोहतक समेत कई जगहों पर बेटियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं हो चुकी है। महापंचायत में बहारा खाप के डॉक्टर राजकुमार राठी, किसान नेता सूबे सिंह सैमान, सुरेश कौंत, जगमती सांगवान, मोन खाप के बलबीर सरपंच, सतरोल खाप धर्मपाल बड़ाला, महम चौबीसी खाप के अशोक बल्हारा, हुड्डा खाप के ओम प्रकाश हुड्डा, धनगढ़ खाप के युद्धवीर धनखड़, ढुल खाप के इंद्रपाल व सतरोल खाप के धर्मपाल बहादुर समेत कई खापों के प्रतिनिधि इस महापंचायत में शामिल हुए। मुद्दा हमारा है कि ये बेटी की सुरक्षा और ये जो संदीप सिंह खुलेआम घूम रहा है, इसको बर्खास्त किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए और इसकी आज से यहाँ एंट्री बंद है कैथल में। आज हम इस पंचायत के माध्यम से ये ऐलान करेंगे। कितनी खाप पंचायतें बुलाई हैं इसमें आज की और कौन-कौन पहुंच गई? जो सारी कैथल के आसपास की सारी पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, उस सारी खाप पंचायतों को बुलाया गया और लगभग सारी खाप पंचायतें आ चुकी हैं और आ रहे हैं लोग रास्ते में। तो क्या कुछ मैम एजेंडे आज जो फैसले लिए जाएंगे? एजेंडा तो देखिए जी, पंचायत तय करेगी, पंचायत खत्म होने के बाद एजेंडा बता दिया जाएगा, लेकिन इसका जो पंचायत का जो सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है वो बेटी की मान सम्मान की जो लड़ाई है वो लड़ना आज से शुरू हो जाएंगे। किस तरह का रिस्पॉन्स है मैम? रिस्पॉन्स आप सब लोग देख ही रहे हो, अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ है कार्यक्रम और लगभग पंडाल भर चुका है, लोग आ रहे हैं। पूछना चाहूंगा कि जिस पहुंच रही है वो नहीं पहुंच सकती है क्योंकि वो अंडर ट्रायल है, और लेकिन उनके परिवार से आ रहे हैं। आपको कहीं पे कोई राजनीतिक झंडा या कोई राजनीतिक आदमी दिखाई दे रहा है? यहाँ सब लोग सामाजिक लोग हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और खापों के जो प्रधान और प्रतिनिधि हैं वो वही लोग हैं। मुख्य बड़ा फैसला क्या लेने वाले हैं? देखिए जी, मुख्य बड़ा फैसला यही है, इस आदमी की एंट्री बंद आज से इस कैथल में, और इसके बाद हम ये बर्खास्त किया जाए और ये जेल भेजा जाए। अब हम ये बेइज्जती लड़कियां सहने वाली नहीं है, अब समाज इस लड़ाई को लड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों? आगे हर जो हमें मुमकिन होगा, जो नामुमकिन होगा, हर वो स्टेप उठाया जाएगा और इस आदमी को हम उस दिन दम लेंगे जिस दिन ये जेल में चला जाएगा। आपको क्या सोनिया दुहन अकेली नजर आ रही है? आप देखिए हजारों लोग पहुंचे हुए हैं, सारी खापें पहुंची हुई है, सारे किसान आंदोलन से जुड़े हुए सारे नेतागण पहुंचे हुए। आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ था मैडम? बिल्कुल हुआ था जी, मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी ही दुर्व्यवहार की नहीं है, मेरे साथ ये जो कर चुके थे ये कर चुके, आज ये लड़ाई है, ये सारे हरियाणा की, इस देश की लड़कियों की लड़ाई है, ये हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, संदीप सिंह को जेल भेजने तक लड़ेंगे। मैडम